बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। अब समय हो चुका है आज के सत्संग विचारों को श्रवण करने का, जिसके लिए हम आग्रह करेंगे परम पूजनीय परमन्य सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य गुरु भाई डॉक्टर सर्वेश्वर जी से। गुरु भक्तों, आप जैसे लोगों का संग करते हैं उनके विचार आपको अवश्य प्रभावित करते हैं। यदि आप हर समय विषय विकारों से ग्रसित लोगों का संग करते हैं तो चाहकर भी आप भक्ति मार्ग पर चल नहीं पाएंगे, और यदि आप संतों महापुरुषों का संग करते हैं तो भक्ति के दुर्गम मार्ग पर भी बड़ी सहजता से चल पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी भी संतों के संग की महिमा का गुणगान गाते हुए उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव संत सदा मोहे प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिदारे, चरण रज निज अंग लगाऊं सोधु गाथ हमारे, उद्धव संत सदा मोहे प्यारे, उद्धव संत सदा मोहे प्यारे। हे उद्धव, मुझे संत अति प्रिय हैं, मैं संतों की चरण रज प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे जाता हूं, क्योंकि संतों की चरण धूलि सबको पवित्र कर देती है। इसलिए आइए हम भी ऐसे ही सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं जिससे हमारा मन भी निर्मल हो जाए। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सच्चे दरबार की। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की। 27 जनवरी 2014, महाराज श्री के समाधि में जाने से एक दिन पूर्व श्री महाराज जी ने सबको अपने पास बुलाया और सबकी एक लास्ट मीटिंग ली, और जैसे ही उस समय महाराज श्री के सामने माइक लगाया जाने लगा ताकि महाराज श्री अपनी बात रख सकें, महाराज जी ने इशारे से वो माइक हटा दिया और ये कहा कि मैंने जो कहना था वो सब कह दिया है, अब आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब तो बस तुम्हें करना है। और इसी के साथ महाराज श्री ने माइक को हटा दिया। गुरुप्रिय साधकों, समाधि में जाने से पूर्व महाराज श्री ने हम सबको भी बहुत कुछ कहा है। अगर हम थोड़ा सा स्वाध्याय करें तो विचारों की अब कोई कमी नहीं है, बहुत विचार हैं, लेकिन फिर भी वो विचार हमारे जीवन में क्यों नहीं उतर पा रहे? आज भी हम क्यों अपने विकारों के हाथों बेबस और लाचार नजर आते हैं? हमें पता होता है कि ये गलत है, ये नहीं करना है, इतना तो सत्संग सुनकर के हमें समझ आ चुकी है, लेकिन फिर भी वो हम कर देते हैं, फिर भी हमसे वो कर्म हो जाता है। और यही कारण है हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, हमारी आध्यात्मिकता आज भी वहीं की वहीं खड़ी है, ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं ना हम उन्नति कर पा रहे हैं। कारण क्या है इस चीज का? कुछ सूक्ष्म कमियां हमें, कुछ सूक्ष्म गलतियां जो हम कर रहे हैं, जो मिस्टेक्स नहीं है, ब्लंडर्स हैं, जो सूक्ष्म गलतियां हमारी स्थूल प्रगति में बाधक बनकर के खड़ी हो गई हैं। करुणा वर्णाले गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी वो जानते थे कि ये गलतियां हम करेंगे, इसीलिए महाराज श्री समाधि में जाने से पहले इन सारी चीजों का जो कारण है, मूलभूत कारण और उसका निवारण दोनों ही अपनी वाणी के माध्यम से हमें देकर के गए हैं। आज के सत्संग विचारों में हम अपने प्रगति के बाधक
इसी सूक्ष्म कारण को और उसके निवारण को महाराज जी के द्वारा ही रचित एक भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे और उसके निहितार्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे कि महाराज जी हम सबको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। आए मिलकर के इसे श्रवण करें और हमारी प्रगति का जो बाधक है, जो एक कमी है हम में, उस पर विचार करें। आए इस भजन को मिलकर के हम सभी श्रवण करते हैं। चारक महाराज श्री के पास गए। गुरु भाई ने जाकर के महाराज श्री को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर के कहने लगे, महाराज श्री, हम जब प्रचार क्षेत्र में जाते हैं, संगत के घरों में जाते हैं, तो संगत हमें इतना मान देती है, इतना सम्मान देती है, हमारे मार्ग में फूल बिछा देती है, हमें आपका रूप जान करके हमें कितना मान सम्मान और कितनी सुविधाएं देती है। लेकिन महाराज श्री, जब हम उन सुविधाओं में होते हैं, हम आपका चिंतन करते हैं, तो हमें बहुत खेद होता है कि जब आपने प्रचार किया था, जब आप खुद घर घर जाकर के इस ज्ञान का प्रचार किया करते थे, सुविधाओं के अभाव में वो प्रचार किया, महाराज श्री आपने साइकिल के पीछे बैठ बैठ करके, बसों में सफर कर करके इस ज्ञान का प्रचार किया था, और आज हम जब जाते हैं, हमारे सामने सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती, महाराज जी हमें बड़ा दुख होता है उस समय। महाराज श्री अपनी आंखों में अपार करुणा भर करके बोले, मैं तो इंसान का बेटा हूं ना, तुम तो अपने सदगुरु भगवान के बच्चे हो, तुम तो मेरी संतानें हो। इंसान के बेटे को तो उतना ही मिलना था, लेकिन सदगुरु की संतानों को तो अपार मिलता है, इसीलिए तुम्हें सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। धन्य है हमारे गुरुदेव, हमने महाराज जी से उनकी संतान होने का गौरव पाया है। गुरु भाइयों बहनों,
ये हमारा परम सौभाग्य है। हमें महाराज श्री ने अपनी संतान कहकर के संबोधित किया। अगर हमारे गुरुदेव महाराज हैं तो अपनी संतानों को भी उन्होंने राजकुमारों जैसी सुविधाएं दी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हर व्यक्ति को जो भी आज महाराज जी के मिशन से जुड़ा है, केवल समर्पित प्रचारक गणों के लिए नहीं, संगत को भी महाराज जी ने इतना प्रेम दिया है जिसको शब्दों में जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। लेकिन सुख साधन तुमने अपार दिया है, फिर भी न तृप्ति होती हमारी। इतना सुख साधन महाराज श्री ने दिया, लेकिन आज भी हम तृप्त कहां हुए? संतान तो बन गए महाराज श्री की, लेकिन विवेकी संतान नहीं बन पाए। संतान होना सौभाग्य है, तो विवेकी संतान होना महासौभाग्य है गुरु भाइयों बहनों, और हमारा यही महासौभाग्य छूट गया हमसे। और इस विवेक के अभाव में हुआ क्या? हुआ ये कि सुविधाएं तो हमें दिखने लग गई, सुख साधन तो हमें दिखने लग गए, लेकिन जो सुख साधनों का दाता था, जो सुविधाओं का दाता था, वो हमारी नजरों से, हमारी दृष्टि से ओझल होता गया। और फिर धीरे धीरे इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि हमने दाता को छोड़ करके उसकी दातों को अपना लक्ष्य बना लिया, उसके सुख साधनों को अपना लक्ष्य बना लिया। और फिर धीरे धीरे हमें यह लगने लग गया कि अगर इस भक्ति मार्ग पर हम चल रहे हैं, अगर सुख साधन मिल रहे हैं, समझो गुरु की बड़ी कृपा है, गुरु की विशेष कृपा है। और इसका प्रमाण क्या है? हम किसी संगत के घर जाते हैं, या आप स्वयं अपने जीवन में देखिए, हम किसी से पूछें कैसे हैं आप, अगर तो जीवन सुख साधनों में बीत रहा है, तो हमें सामने से उत्तर मिलता है महाराज जी की बड़ी कृपा है, विशेष कृपा है। और जब सुख साधन छिन जाते हैं तो हम रुआंसे से हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। क्या हमने कृपा का परिमाण जो है वो सुख साधनों की गिनती में लगा दिया? क्या कृपा सुख साधनों की गिनती पर निर्भर करती है? नहीं, वो तो महाराज श्री के प्रेम की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन था, लेकिन वो वास्तविक कृपा नहीं थी। आज हमें लगता है हमें अगर घर में धन दौलत अपार है तो महाराज जी की कृपा है, और अगर कुछ छूट जाता है, कुछ छिन जाता है, तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर महाराज जी की कृपा नहीं है। धीरे धीरे इन सुख साधनों में जीते जीते तृप्ति तो हुई नहीं, हम महत्वाकांक्षी बन गए। हमारे अंदर महत्वाकांक्षाओं ने सर उठाना शुरू किया, और हम महाराज जी के पास आते और महाराज जी के पास आकर अपनी उन्हीं महत्वाकांक्षाओं को प्रकट कर देते। महाराज जी ये चाहिए, महाराज जी घर में ये दिक्कत है, महाराज जी इस चीज की कमी है, संतान ऐसी है, ये दुख सुनाए हैं। जबकि महाराज जी ने बार 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 जहां यह कहा कि तुम मेरी संतान हो इसलिए तुम्हें प्रेम मिलेगा, लेकिन साथ ही हमें समझाया भी कि मेरी कृपा का प्रमाण यह नहीं है। एक बार नूरमहल आश्रम में किसी ब्रांच की संगत आई, महाराज जी ने उनसे मिलना था। वो सभी सत्संग हॉल में बैठे थे, सत्संग चल रहा था। महाराज श्री के ऊपर कक्ष में महाराज जी ने एक स्वामी जी को अपने पास बुलाया और जाकर कहा, अच्छा जाओ नीचे जाओ और नीचे जाकर के ये मंच से बोलो कि गुरु को कुछ बोल करके बताने की जरूरत नहीं होती। गुरु तो अंतर्यामी होता है, गुरु तो हमारे अंदर स्थित रह करके हर बात को जानता है, उसे बोलकर बताने की जरूरत नहीं होती। अगर हां फिर भी अगर मन परेशान हो तो गुरु के स्वरूप के सामने अपने मन की बात रखो, जाओ नीचे जाकर ये बोल करके आओ। स्वामी जी नीचे आए सत्संग हॉल में, और उन्होंने जैसे जैसे महाराज श्री ने बताया था, उन्होंने एज इट इज वो सत्संग वहां पर रख दिया। सत्संग खत्म हुआ, महाराज जी संगत से मिले। कुछ समय के बाद एक माता जी ऊपर महाराज जी के पास पहुंचे, उन्हीं संगत में से जाकर के कहने लगे, महाराज श्री मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब रहती है, आप कृपा करें। महाराज जी ने कहा, अच्छा छोड़ो सब, साधना सुमिरन किया करो। महाराज जी ने विषय को पलटा,
माता जी ने फिर से रखा, महाराज जी मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब रहती है। महाराज जी ने फिर से बात को बदला, माता जी ने फिर से वही बात घुमा के, महाराज जी मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब रहती है। महाराज जी एकदम से गंभीर हुए और गंभीर होकर महाराज जी ने कहा, तुमने सब सत्यानाश कर दिया। अरे तुझे समझाने के लिए ही तो मैंने उन स्वामी जी को भेजा था कि जाकर समझाओ, गुरु को बोलकर नहीं बताना पड़ता। तुमने मेरे उस संदेश को अनसुना करके मुझ तक अपनी बात रख दी और अब मैं तुम्हारी उतनी ही सहायता कर सकता हूं जितना एक मानव दूसरे मानव की सहायता कर सकता है, क्योंकि तुमने मुझे शरीर समझा और शरीर के सामने बार बार अपनी समस्या रखी। गुरु भाइयों बहनों, हमने भी तो इतने सत्संग सुने हैं, हमने भी तो कितने सूत्र भक्ति सूत्र सीखे हैं, समाधि से पहले जो सत्संग सुने हैं और समाधि के बाद जो सत्संग सुने हैं कोई गिनती नहीं। और लॉकडाउन के अंदर इस वेबकास्ट के माध्यम से जो आप सत्संग सुन रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 100 के करीब हम सत्संग सुन चुके हैं। और हर सत्संग, जब से लॉकडाउन लगा है, हर सत्संग ने हमें नए भक्ति सूत्र दिए हैं, भक्ति के नए आयाम हमारे सामने रखे हैं, लेकिन हम अभी भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हम अंता अनुभूति पढ़ते हैं, आपको हैरानी होगी, जब से महाराज श्री समाधि में गए हैं लगभग 30,000 के करीब अनुभव पब्लिश हो चुके हैं। हर अनुभव में महाराज जी ने हमें बताया है कि तुमने मुझसे भीतर से जुड़ना है, तुमने मुझसे मुझे प्राप्त करना है, मेरे सुख साधनों में उलझ मत जाना, मेरे दिए सुख साधनों में मुझसे जुड़ना है। महाराज जी ने तो बार बार हमें बताया, लेकिन संतान तो है, विवेकी संतान नहीं है, इसलिए कभी समझ ही नहीं पाए, कभी उस विवेक से जान ही नहीं पाए कि महाराज श्री क्या बताना चाह रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और सब छोड़िए, ये सब छोड़िए, हम सब ने जब ज्ञान लिया था तो सबसे पहला सत्संग जो हम सब ने सुना था वो हेलो गाइज, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास डेबिट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप एक्सिस डायरेक्ट का डेबिट अकाउंट, पेटीएम मनी और आप स्टॉक एवं 5 पैसा डेबिट अकाउंट और धनुष डेबिट अकाउंट, ये सब अकाउंट आप खोल सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप मानव तन के ऊपर था, मानव तन की महिमा के ऊपर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, आप सभी को याद होगा। लेकिन दुख की बात है भाइयों बहनों, त्रासदी का विषय है, अगर हम केवल उस एक सत्संग को समझ जाते, केवल उस एक सत्संग को विवेक के द्वारा जान जाते, तो हमें आज दोबारा से यह कहने की आवश्यकता ना पड़ती कि साधना करें, सुमिरन करें, महाराज श्री को प्राप्त करें। क्योंकि जिसने मानव तन के लक्ष्य को जान लिया, जिसने यह जान लिया ये मानव तन इतने भाग्यों से मिला है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है, वो फिर क्यों संसार में भटकने के लिए जाएगा। हम तो आज तक अपने इस ज्ञान लेने वाला जो पहला सत्संग था उसे भी नहीं जीवन में धारण कर पाए। सोचिए कहां कमी है, हमारे विवेक में कमी है। इसीलिए महाराज श्री ने पहले ही समाधि में जाने से पहले इस भजन के माध्यम से इंगित किया, बने विवेकी संतान, तुम्हारी संतान मत बनो मेरी, विवेकी संतान बनो। और अगर नहीं विवेक ला सकते तो ये प्रार्थना करो मुझसे, सतगुरु ऐसा हमको वर दो, महाराज श्री केवल संतान ना बने, हम आपकी विवेकी संतान बने। और सोचिए हमें कितनी जरूरत है विवेकी संतान बनने की। अगर महाराज जी ने कभी ये सोचा कि ये सुख साधनों में उलझ रहा है, ये सुख सुविधाओं में मुझसे दूर जा रहा है, और महाराज जी ने दया करके, कृपा करके, करुणा करके हमसे वो सुख साधन छीने, हमसे वो सुख साधन दूर किए, तो हम झट से उखड़ करके बैठ गए। घर में थोड़ी सी कमी होती है, हम झट से महाराज जी पर उंगली उठा देते हैं, हमारे गुरु ने हमें दिया क्या है, हमारे महाराज जी ने हमें दिया क्या है। जब लॉकडाउन लगा, कितनों की जॉब्स चली गई,
कितनों के घर का कोई ना कोई सदस्य चला गया, संशय सबके अंदर उठे, सबके अंदर, किसी का प्रकट रूप में और किसी का अप्रकट रूप में संशय के सर्प ने फन उठाया ही उठाया कि हमने तो जी ज्ञान लिया हुआ था, ऐसा क्यों महाराज श्री ने हमारे साथ किया? क्या करे सदगुरु? कैसे गुरु उन सुख सुविधाओं को हमसे दूर करे? महाराज जी करना चाहते हैं, हम उखड़ करके बैठ जाते हैं, आश्रम में आते हैं, दरबार में आते हैं, दरबार में आकर के बहुत मान सम्मान मिलता है, और जब कभी गुरु हमारा निर्माण करने के लिए कोई झटका देता है हमें, हम घर बैठ जाते हैं, आश्रम की मिशन की बुराई करने लग जाते हैं। वो गुरु जो कभी हमें माता पिता का स्वरूप नजर आता था, आज उसी सदगुरु के मिशन में हमें कमियां नजर आने लग जाती है। सोचिए गुरु कैसे निर्माण करे। और फिर हम क्या करते हैं? सब कुछ पाकर भी है देखा, दर दर भटकते बन हम भिखारी। हम अपनी श्रद्धा का पात्र उठाते हैं, यहां से इच्छा पूरी नहीं हुई, चलो जी ज्ञान तो ले लिया है, महाराज जी तो सुनते नहीं, चलो पीरों फकीरों को भी रिझा लेते हैं, चलो जी इस दर पर कोई काम नहीं बना, किसी दूसरे दर पर जाकर के सर रख लेते हैं। ये तो गुरु के प्रेम का सिला नहीं हुआ। अगर उसने छीना है, अगर उसने ली है सुख सुविधाएं, तो वो हमें देना चाहता है कुछ। क्या देना चाहता है? अपना आप देना चाहता है। गुरु का, भगवान का एक नाम गरीब निवाज होता है, दीना नाथ होता है। गरीब निवाज को पाने के लिए गरीब होना पड़ता है, दीना नाथ को पाने के लिए दीन होना पड़ता है। और गुरु जब हमें दीन करने लगता है, वो भाव देने लगता है, हम झट से गुरु पर उंगली उठा देते हैं, गुरु से दूर हो जाते हैं। सोचिए ये विवेक का अभाव नहीं तो क्या है? इसलिए अपने श्रद्धा के पात्र को गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करें। ये शीश उनके चरणों में रख दिया है, तो अगर सुख सुविधाएं छिनती हैं, तो दर दर जाकर के भिखारी बन के भटके ना। अगर शीश यहां पर दिया है, अब तो ये शीश केवल और केवल यहीं पर झुका है, अब यहीं पर कटेगा, ये भाव होने चाहिए। अगर गुरु ने छीना है, तो गुरु देना ही चाहता है। एक बार एक माता जी, वृद्ध माता जी, नॉर्थ ईस्ट से समर्पित हुई आश्रम में। महाराज जी उन्होंने दिल्ली के आश्रम में रखा, पीतमपुर आश्रम में। वो माता जी, क्योंकि उनकी हिंदी लैंग्वेज पे इतनी पकड़ नहीं थी, वो ढंग से हिंदी भाषा नहीं बोल पाती थी, वो बड़ी जब बोलती तो टूटी फूटी हिंदी बोलती थी, जिसके कारण वो अपनी बात भी नहीं कर पाती थी लोगों से, और बहुत सारे लोग कई बार उनकी हिंदी सुनकर हंस भी जाते थे। माता जी को बड़ा फील होता कि मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं अपनी बात नहीं रख पाती हूं। एक दिन वो महाराज श्री के पास गई और जाकर महाराज जी को कहा, महाराज श्री मेरे ऊपर लोग कितना हंसते हैं, महाराज जी जब मैं हिंदी बोलती हूं लोग मुझ पर हंसते हैं, आपने मुझे खामखा ही यहां रखा हुआ है, आप मुझे दूसरे क्षेत्र में भेज दें जहां जाकर मैं आपकी सेवा कर सकूं। महाराज जी आंखों में प्रेम भर करके सिंहासन से थोड़ा सा आगे आए, और थोड़ा सा आगे आकर महाराज जी कहने लगे, मेरे कारण तू ये भी नहीं सह सकती क्या? इतना कहा महाराज जी ने, वो माता की आंखों में पानी भर आया, दोनों हाथ जोड़े उन्होंने कहा, महाराज जी सह सकती हूं, आपके लिए तो सब सह सकती हूं, और वहां से उठे और नीचे अपनी सेवा में चले गए। गुरु भाइयों बहनों, हमें भी महाराज जी ने अपनी संतान होने का गौरव दिया है। अगर गुरु हमें कुछ देने के लिए हमसे कुछ ले लेता है, हमें दुख दे देता है, तो क्या हम अपने महाराज जी के लिए वो भी नहीं सह सकते क्या? क्या इतना भी त्याग नहीं कर सकते अपने गुरुदेव के लिए? ये छोटा सा त्याग नहीं कर सकते? कर दें तो बहुत सस्ता त्याग होगा हमारा। इसलिए महाराज जी से यही प्रार्थना करें, महाराज जी हम में संतुष्टि का भाव भर दो, हमें संतुष्ट कर दो, संतुष्ट कर दो। अब सुख साधनों की दौड़ में भागे ना हम, जितना दिया है आपने बहुत दिया है, अब इनकी माया जाल में हम फंसे ना, इसकी चमक दमक में हम फंसे ना। हाँ, अगर
कुछ पाने की इच्छा हो तो ये हो, अपने सदगुरु को प्राप्त कर लें, अपने महाराज जी को हम प्राप्त कर लें, अपने गुरु को प्राप्त कर लें। ये दर्द, ये टीस हमें सदा व्याकुल करे, सदा अधीर करे, संसार की चमक दमक अब हमें और ना बहकाए, हम में संतुष्टि का भाव भर दो। आगे महाराज श्री हमें क्या समझा रहे हैं, आए श्रवण करते हैं। जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों को तज कर, निकृष्टता का चयन किया है, पाप की गठरी सर पर ला दे, अपने सुकर्मों को दहन किया है, भ्रष्ट हुई जो मति है हमारी, भ्रष्ट हुई जो मति है हमारी, उसको सुमति में परिणत कर दो, बने श्री। अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि जो गाय का थन होता है उस पर जोंक भी जाकर लगती है और उस पर बछड़ा भी अपना मुख लगाता है, लेकिन जो बछड़ा होता है वो वहां से दुग्ध का पान करता है और जो जोंक होती है वो वहां से रक्त का पान करती है। ऐसे ही साधकों, ये महाराज जी का मिशन है। निसंदेह गाय का जो थन है वो दूध के लिए ही बना है, लेकिन जोंक अपनी प्रवृत्ति के कारण वहां से रक्त का ही पान करती है, वहां से रक्त ही चूसती है। ऐसे ही गुरु महाराज जी का यह मिशन है साधकों, यह मिशन परम पवित्र है, यह मिशन की सेवाएं परम पवित्र हैं, जिनका उद्देश्य है हमारा आध्यात्मिक उत्थान करना। लेकिन हम सभी महाराज जी की कृपा से इस मिशन में आ तो गए हैं, लेकिन हम भी अपनी निम्न प्रवृत्तियों के कारण हम यहां से आज तक वो आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त ही नहीं कर सके, जिस आध्यात्मिक उत्थान को महाराज जी हमें देना चाहते थे। आप देखें कहां पर हैं, कैसे लूप होल्स हैं हमारी भक्ति में, जो हमें पीछे की ओर धकेलते जाते हैं। हम गुरु सेवा की आड़ में क्या क्या करते हैं, आप स्वयं देखिए कहां पर खड़ी है हमारी भक्ति, सेवा और साधना। महाराज जी के इस पवित्र मिशन में सेवा करते हुए हम जहां जहां भी सेवा करते हैं, आप घरों में रहकर जहां जहां भी आपकी ब्रांच में, आपके क्षेत्र में जहां जहां भी सेवा लगती है, आप देखिए हम सेवा पर खड़े होते हैं, सेवा के मंचों पर, सेवा के फ्रंट्स पर, लेकिन हम अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार वहां से ग्रहण क्या करते हैं? निम्नता, मलिनता, संशय, विकार। हम जब सेवाओं में खड़े होते हैं अपनी मलिन दृष्टि से सब और देखते हैं, हमारी दृष्टि इतनी मलिन होती है कि गुरु के मिशन की पवित्रता को भी हम भंग कर देते हैं। सेवा में बैठे बैठे किसी की सिक्योरिटी की सेवा है, वो वहां पर बैठे हैं और ध्यान पूरा अपना फोन के अंदर है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टा चल रहा है। सेवा तो वो होती है जहां दिल की तार अपने गुरु से जुड़ी होती है। जब सेवा तो ऐसे कर ली टूटी फूटी, और फिर जब साधना का समय आता है फिर सेवा की आड़ में हम कहते हैं जी हम तो थके हुए हैं, हम तो सेवा करके थक गए हैं, अब नहीं महाराज जी साधना में ही, सेवा में ही निकाल देना। साधना नहीं करते, सेवा की आड़ में गुरु आज्ञा का फिर से उल्लंघन कर जाते हैं, गुरु के आदर्शों को फिर से रौन देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं हम महाराज जी के इस संस्थान का प्रचार कर रहे हैं, और कैसे करते हैं? YouTube पर एक सत्संग रिलीज होता है, हम बजाए इसके
कि लोगों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के महाराज जी के मिशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जोड़े। हम अपने नए नए चैनल्स बना करके उस पर जो अनरिलीज सत्संग है, अनरिलीज भजन है, वो डाल देते हैं। और फिर हम कहते हैं जी हम महाराज जी का प्रचार कर रहे हैं। महाराज जी के मिशन को तो पीछे कर दिया हमने, हमने स्वयं को आगे कर दिया। जो गुरु आज्ञा ही नहीं है, जो गुरु ने मना किया है, वही कार्य हम करते जा रहे हैं और उसे नाम हम दे देते हैं सेवा का। ये गुरु की सेवा नहीं हो सकती सजनों, ये गुरु की सेवा नहीं हो सकती। आपस में हम क्या करते हैं प्रेमी जन, आपस में नए नए ग्रुप्स हमने बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, नवयुग के सृजन सेनानी, आशुतोष के वीरभद्र, आपस में ही जुड़े हुए हैं। जबकि ऑफिशियल ग्रुप सबके बने होते हैं अपनी ब्रांचेस में, उसके इतर भी हम हट करके आपस में ही एक दूसरे से संपर्क साध रहे हैं, अपना बड़ा सा दायरा बना रहे हैं। जुड़ना था गुरु के साथ और जुड़ते जा रहे हैं हम एक दूसरे के साथ। ये सदगुरु की आज्ञा नहीं हो सकती, गुरु तो बीच में है ही नहीं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए हम सभी महाराज जी के साथ जुड़े, हम सभी को, दूसरों को महाराज जी के जो सिस्टम बनाया है महाराज श्री ने, जो महाराज जी ने एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था में जुड़े। हम खुद ही उस व्यवस्था का उल्लंघन करते जाते हैं और फिर हम कहते हैं जी हम तो जी सेवा कर रहे हैं। हम गुरु आज्ञा की धज्जियां उड़ा देते हैं, गुरु की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देते हैं और इसे नाम देते हैं गुरु आज्ञा का। सोचिए कितनी बड़ी कमी है हमारी। और सिर्फ इतना नहीं, जब बात आती है साधना की, जब कोई कह दे साधना का नाम ले ले हमने, तो हम ऐसे बात को काटते हैं, ऐसे ऐसे तर्क देते हैं जी महाराज जी अपने आप करवा लेंगे, महाराज जी है ना, महाराज जी जब कराएंगे हो जाएगी। वाह क्या तर्क है, कैसा समर्पण है हमारा। सजनों समर्पण और लापरवाही में बहुत फर्क होता है। जिसे आप समर्पण समझ रहे हैं, ये समर्पण की आड़ में लापरवाही है और ये लापरवाही हमें वहां पर जाकर फेंकेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतिहास साक्षी है हमारे सामने। गुरु भाइयों बहनों, हम आपके सामने अब चार केस स्टडीज लेकर के आए हैं, चार केस स्टडीज आपके सामने रखेंगे, हर युग की, चारों युगों की एक एक केस स्टडी। आप स्वयं देखिए, स्वयं देखिए, जो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो ऐसे समर्पण की आड़ में लापरवाही करता है, उसका क्या हश्र होता है, आप स्वयं देखिए। चलते हैं द्वापर युग के अंदर। द्वापर युग में अर्जुन जब मोह से ग्रसित होते हैं, तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ज्ञान प्रदान किया, आप सभी जानते हैं। और जब ज्ञान दे दिया, दर्शन हो गया और गीता उपदेश अंत होता है, तो अंतिम अध्याय में, गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन यह उद्घोष कर देते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत् प्रसादात मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह कृष्ये वचनं तव, प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं अपने अंदर स्थिरता का अनुभव कर रहा हूं, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं, मेरा संदेह नष्ट हो चुका है, अब जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। देखिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितनी ऊंची अवस्था प्रदान कर दी। युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध आगे बढ़ा, लेकिन यहां पर जब एक ऐसा समय आया जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, अभिमन्यु का वध हो गया, तो एक बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना घटी। घटना यह घटी कि वह अर्जुन जो गीता के 18वें अध्याय में यह उद्घोष कर देता है, बिल्कुल उसने क्लैरिटी से यह उद्घोष किया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया है, वही अर्जुन फिर से मोह से ग्रसित हो गया और इतना भयंकर तरीके से ग्रसित हुआ। यदि आप महाभारत के द्रोण पर्व के, प्रतिज्ञा उपपर्व के 27वें से 34वें श्लोक को पढ़ें, तो आप अर्जुन के मोह की एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जहां 27वें से 34वें श्लोक तक अर्जुन बार बार, लगभग 3 बार यह उद्घोष कर देते हैं कि यदि पुत्रम ना पश्यामि यास्यामि यम साधनम, प्रभु अगर मैंने आज अपने बेटे को जीवित नहीं देखा तो
तो मैं भी मृत्यु का वरण कर लूंगा, मैं भी मृत्यु को प्राप्त करूंगा। और यही नहीं, अर्जुन बार बार भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु नाद्याहम यदि पश्यामी का शांतिर हृदयस्य में, अपश्यतो ही वीरस्य का शांतिर हृदयस्य में। वो अर्जुन जो भी कुछ समय पहले यह कह रहे थे स्थितोस्मि गत संदेह, मैं शांत हो गया हूं, अब वही अर्जुन कह रहे हैं यदि आज मैंने अपने अभिमन्युओं को नहीं देखा तो मेरा हृदय शांत नहीं होगा केशव, मेरा हृदय शांत नहीं होगा, मैं स्थिर नहीं हो पाऊंगा। और जब अर्जुन इतना बोलते हैं तो उसके बाद जो अर्जुन अपने सिम्टम्स बताते हैं, वही सिम्टम्स जो गीता उपदेश से पहले अर्जुन ने कहा, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते। प्रभु मेरा गला सूख रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे रोम रोम में कंपन हो रहा है। यही सिम्टम्स दोबारा से अर्जुन के अंदर आने शुरू हो गए। और अब अर्जुन क्या कहता है अभिमन्यु वध के उपरांत, वो कहता है किम नुमे हृदयम त्रस्तम वाक् च सज्जति केशव स्पंदन्ति चाप्य निष्ठानि गात्र सीदति चाप्युत। प्रभु मेरा हृदय त्रस्त हो रहा है, मेरा गला फिर से सूख रहा है, मेरे रोम रोम में कंपन हो रहा है, मैं शांति का अनुभव नहीं कर रहा, प्रभु मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। देखिए इतना गीता उपदेश सुना दिया, अर्जुन ने कह भी दिया मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन फिर घूम घुमा के वहीं पर आकर के खड़ा हो गया अर्जुन। और अर्जुन कहता है मैं मृत्यु का वरण कर लूंगा अगर मैंने अपने पुत्र अभिमन्यु को नहीं देखा, अगर मैंने अभिमन्यु को नहीं जाना। अब भगवान कृष्ण को फिर से वही उपदेश जो गीता में दिया था वही दोबारा से अर्जुन को देना पड़ रहा है। और अर्जुन को वो कहते हैं मा शुचः पुरुष व्याघ्र, अर्जुन तुम तो पुरुषों में सिंह समान हो, तुम चिंता मत करो, शोक मत करो। अर्जुन फिर भी नहीं समझता, फिर कहता है मेरा हृदय शांति का अनुभव नहीं कर रहा, मुझे मेरे पुत्र को देखना है, मुझे मेरे पुत्र को देखना है। तो भगवान कृष्ण बड़े पते की बात अर्जुन को कह देते हैं। अब की बार वो अर्जुन को कहते हैं अर्जुन विदितम वेदितव्यम ते ना शोकम कर्तु मरहसी। अर्जुन मैंने तो तुझे ज्ञान दे दिया है, जो तत्व ज्ञान जानने योग्य था वो ज्ञान तो तुमने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है, फिर भी तुम शोक कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी ये स्थिति है, ये हालत है। अर्जुन ने जहां से शुरू किया घूम घुमा करके वहीं से नियति ने उसे पटक दिया। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण था अर्जुन ने भगवान कृष्ण की एक आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और वो आज्ञा थी जो भगवान ने गीतोपदेश देते समय अर्जुन को दी, तस्मात सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। अर्जुन तू अब युद्ध भी कर, मेरा सुमिरन भी कर। अर्जुन ने युद्ध तो किया लेकिन सुमिरन नहीं किया, सुमिरन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो नियति ने उसे लाकर के फिर से इतनी ऊंचाई पर पहुंचा करके जहां उसका मोह नष्ट हो गया था उसे वापिस वहीं पटका कि अर्जुन एक अपने आप को असहाय अनुभव कर रहा है। पहली केस स्टडी हमारे सामने गुरु भाइयों बहनों, आज अगर हमने भी साधना को यूं ही हल्के में ले लिया, सुमिरन का अभ्यास ना किया, तो आज भले ही हम पथ पर चलते हुए दिख रहे हैं लेकिन नियति फिर से हमें लाकर वहां पटकेगी जहां पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी केस स्टडी त्रेता। अगर आप इसी तरह का सत्संग और भजन सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।